पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, वो जुमला पार्टी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद आखिर क्यों आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलानी पड़ी तेजस्वी यादव को, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं 10 अक्टूबर रोड यानी कि पूर्व मंत्री रावी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहां पर अंदर बैठक चल रही थी। आरजेडी विधायक दल के तमाम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो मौजूद थे। और अंदर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे तेजस्वी यादव हो या जगदानंद सिंह हो, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मेहता हो, ये तमाम जितने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जो कि आरजेडी कोटे के हैं, सभी विधायक, विधान पार्षद, देखिए किताबें भी जा रही हैं अंदर, जो सभी विधायकों में विधान पार्षदों में बांटी जाएगी। ये विधानमंडल दल की बैठक जो है समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपके एजेंडा क्या था, क्या बात हुई अंदर विधायकों के साथ, तेजस्वी यादव के भाई वीरेंद्र जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है बता रहे हैं। कहा था कि विधायक दल की बैठक हो रही है सरकार के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है। और हर विधायक, मंत्री सबको जिम्मेवारी मिली है कि पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और इसीलिए बैठक बुलाई। कैबिनेट की बात जो हो रही है, कितने सदस्य जुटाने के लक्ष्य रखा आप लोगों ने? 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा। सर ये बताइए, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी कोई चर्चा हुई? अरे नहीं भाई, इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसकी चर्चा नहीं हुई है, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और सरकार के नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर आदमी को जिम्मेवारी लेना। जनता का दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं आप? निश्चित रूप से बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, वो जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम लोग अपने नीतियों को गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं, कोई विधायक इस तरह की बात नहीं बोला है और धीरे धीरे सरकार बनी है, सारे लोग सुधर रहे हैं और निश्चित रूप से सबकी बात सुनी जाएगी और सुन रहे हैं। तो आपने अंदर की तमाम तस्वीरें देखी, एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जब अंदर बैठक हुई तमाम जितने आरजेडी के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एमएलए एमएलसी मौजूद थे, उन सभी की मौजूदगी में बातें हुई। अभी हाल में ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी जो कि विपक्षी पार्टी है वो हमलावर है, तो ऐसे में कैसे बीजेपी को जवाब देना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है क्योंकि मिशन 2024 और 25 के ओर बढ़ चली है महागठबंधन, 7 दलों का महागठबंधन है, नीतीश कुमार की जेडीयू भी साथ में है, तो कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे? और जो बेरोजगारों से वादा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी कि 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, उस पर कैसे काम होगा, क्या जनता के बीच तक मैसेज पहुँचाना है, तमाम लोगों को टास्क दिया गया है, स्वच्छता अभियान भी कैसे सुचारू ढंग से चलता ही रहे, इस पर भी बातें हुई हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ बताया, हमने आपको सुनाया है, अंदर की तस्वीरें भी दिखाई हैं, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें।